गर्मी से इस वक्त पूरा देश परेशान है। इंसान तुम इंसान, जानवर तक इस गर्मी से जूझ रहे हैं। हर रोज लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं। कभी किसी के दुकान में आग लग रही है तो कभी किसी के घर में आग लग रही है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि आखिर ये आग लगने की जो घटनाएं हैं वो गर्मी में ही क्यों होती है? तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ आशीष सिंह आनंद और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। नॉर्थ इंडिया सहित पूरे देश में पारा तेजी से चढ़ रहा है। आपने गौर किया होगा कि गर्मी के समय में पूरे देश में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो काफी अधिक हो जाती हैं। ग्रामीण इलाकों से लेकर के शहरी इलाकों तक में इस समय में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं, ज्यादा खबरें आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि गर्मी के मौसम में आग लगने की इतनी घटनाएं क्यों आती है, इसके पीछे की वजह क्या है। तो सबसे पहले तो शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगती है। आग गर्मी के मौसम में बड़े पैमाने पर लोग पंखे और एसी कूलर का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सर्किट पर लोड बहुत अधिक पड़ जाता है, इस वजह से शॉर्ट सर्किट देखने को मिलता है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी की घटनाएं हो जाती हैं। ये शहरी इलाकों में आग लगी के सबसे बड़े कारणों में से एक है। इसके केवल भारत में ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी ऐसी खबरें सामने आई हैं। इसके साथ ही साथ वाहनों में भी आग लगने की घटनाएं देखने को मिलती है। इसके अलावा पारा यानी टेम्परेचर की वजह से भी आग लगती है। दरअसल टिन की छत और दीवार वाले घर बाकी घरों की तुलना में काफी गर्म हो जाते हैं। ऐसे में किसी तरह के शॉर्ट सर्किट, ओवरहीटिंग, गैस लीक और मानवीय गलती के स्थिति में पेपर, प्लास्टिक के सामान, केमिकल और फर्नीचर इत्यादि में जल्दी आग पकड़ने की गुंजाइश होती है। शहरों में अधिकतर घरों में लोग चिमनी लगवाते हैं। इसका मकसद किचन के धुएं को घर में फैलने से रोकना होता है। लेकिन शहरों में कई बार चिमनी की वजह से भी घरों में आग लग जाती है। ऐसे में आमतौर पर चिमनी में किसी भी तरह की ब्लॉकेज की स्थिति होती है। तो ये तमाम वो कारण है जिनकी वजह से शहरों में या फिर गाँव में गर्मी के मौसम में आग लगने की जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थे आपके साथ आशीष सिंह आनंद।